हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में बात करेंगे क्लैंप मीटर क्या होता है, क्लैंप मीटर कैसे काम करता है, अगर आप क्लैंप मीटर खरीद रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे, साथ ही क्लैंप मीटर की प्राइस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं क्लैंप मीटर क्या होता है। क्लैंप मीटर एक मेजरमेंट डिवाइस है जिसकी मदद से आप वोल्टेज, एम्पियर, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को माप सकते हैं। जो क्लैंप मीटर होता है इसके आगे का जो हिस्सा होता है वो क्लैंप के आकार का होता है, इसलिए इसको क्लैंप मीटर कहा जाता है। साथ ही इसको क्लैंप मीटर के साथ साथ क्लैंप मल्टीमीटर भी कहा जाता है, तो ये दोनों एक ही मतलब है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन या फिर सोलर इंस्टॉलर है तो आपके पास स्पेसिफिक क्लैंप मीटर होना चाहिए जिसकी मदद से आप करंट वोल्टेज को माप सकें, और जो प्रॉब्लम है या फिर अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप घर का लोड माप सकें और वहाँ पर सही सोलर सिस्टम का सिलेक्शन कर सकें। बाजार में क्लैंप मीटर की कीमत 1,000 रुपये से शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे अलग अलग फंक्शन के आपको क्लैंप मीटर मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगे जिसके हिसाब से जो प्राइस होती है वो कम और ज़्यादा होती है। एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे मैं बताऊँ तो एसी करंट चेक करना है, डीसी करंट चेक करना है, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डायोड चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, तो इन सारे फंक्शन के हिसाब से आपको अलग अलग क्लैंप मीटर देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर कुछ फंक्शन होंगे और कुछ फंक्शन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा फंक्शन आपको मिलेंगे जो प्राइसिंग होती है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मार्केट के अंदर जो सस्ते क्लैंप मीटर आप लेते हैं यानी कि 1200 रुपये से लगा के 2000 रुपये की रेंज में, इस जो कैटेगरी के क्लैंप मीटर होते हैं इसके अंदर आपको एसी करंट और एसी वोल्टेज और साथ ही डीसी वोल्टेज का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही कुछ बेसिक फंक्शन और मिल जाते हैं। इन क्लैंप मीटर के अंदर आपको डीसी करंट चेक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो ये क्लैंप मीटर आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में जो क्लैंप मीटर होते हैं वो 3000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। इन क्लैंप मीटर के अंदर आपको डीसी करंट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप सोलर इंस्टॉलर है तो ये क्लैंप मीटर आपके लिए ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आप ये चीज़ खरीदने से पहले देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको डीसी करंट का ऑप्शन मिल रहा है, वही क्लैंप मीटर आप खरीदें अगर आप सोलर इंस्टॉलर है तो। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कैपेसिटी। अगर आप कोई भी क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर बाय करें तो आपको कैपेसिटी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कैपेसिटी कम होगी तो उस केस के अंदर क्या होगा, अगर आप कहीं पे करंट चेक कर रहे हैं तो आप प्रॉपर यहाँ पे मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर जो क्लैंप मीटर होगा इसके अंदर ऑयल या फिर ओवरलोड दिखाने लग जाएगा जिससे आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप कैपेसिटी चेक कर लीजिए कि आपको 600 एम्पियर का चाहिए, 100 एम्पियर का चाहिए या फिर आपको कम एम्पियर का क्लैंप मीटर चाहिए, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एक्यूरेसी का। आप कोई भी क्लैंप मीटर खरीदते हैं तो आपको वेबसाइट के ऊपर इसकी एक्यूरेसी बताई होती है, ये चीज़ भी आपको चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूरेसी कम होती है तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप वोल्टेज चेक करें तो यहाँ पे 230 वोल्टेज है तो उसको काफ़ी कम या ज़्यादा करके आपको दिखा सकता है, यानी कि 230 का आपको 220 ही दिखा रहा है, 215 दिखा रहा है या 250 दिखा सकता है। तो ये चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि एक्यूरेसी जो होती है वो आपको ज़्यादा मिलनी चाहिए जिससे क्या हो कि आप यहाँ पे प्रॉपर और एग्जैक्ट डेटा मेजर कर पाए। एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे आपको RMS और TRMS ये दो चीज़ें देखने को मिल जाएगी के। जो TRMS वाले क्लैंप मीटर होते हैं इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, तो आप क्लैंप मीटर खरीद रहे तो ये चीज़ का ध्यान रखें इसके ऊपर TRMS लिखा हुआ हो। अब देख लेते हैं क्लैंप मीटर को काम में कैसे लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे मैको कंपनी का क्लैंप मीटर है। अगर आपके पास किसी अदर कंपनी का क्लैंप मीटर है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं वो एक समान ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं क्लैंप मीटर अभी बंद किया हुआ है। फर्स्ट जो आपको NCV का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ये होता है नॉन करंट वोल्टेज। नॉन करंट वोल्टेज अगर आपको कहीं पे किसी बोर्ड में या फिर आपके घर के अंदर कहीं पे करंट का लीकेज हो रहा है तो उस केस में आप इस क्लैंप मीटर की मदद से आप चेक कर सकते हैं। इसको क्या होगा, NCV पे करके आप जैसे बोर्ड के पास में लेके जाएंगे तो वहाँ पे अगर वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट करेगा और ये बीप करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है एम्पियर चेक करने का। फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 60 एम्पियर। 60 एम्पियर के ऊपर दो यहाँ पे जो है साइन बना रखे हैं, फर्स्ट है यहाँ पे डीसी करंट का और जो नेक्स्ट वो है एसी करंट का। अगर आप कम एम्पियर चेक करना चाहते हैं या कम करंट चेक कर रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि 60 एम्पियर से कम का करंट है तो उस केस के अंदर आपको इसको इस सेकंड ऑप्शन पे रखना है जिससे आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देखने को मिल जाएगी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है यहाँ पे 600 एम्पियर का। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा सिस्टम है वहाँ पे चेक करें तो इस वाले ऑप्शन को आप काम में लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, फिर ज़्यादा ये एक्यूरेट रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है वोल्टेज चेक करने का और साथ में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेक करने का भी यहीं पे ही है। तो अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो इसके लिए आपको इसके साथ में लीड मिलती है, वो लीड लगानी होगी और उससे आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, आपको यहाँ पे डायोड को चेक करना है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस चेक करना है, तो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के अंदर, अगर आपको ये चेक करना है तो ये है। और इसके बाद में आपको अगर टेम्परेचर चेक करना है तो टेम्परेचर का यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन मिल जाता है।
तो ये सारे ऑप्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शन और आपको मिल जाते हैं जो ये नीचे तीन बटन दिए हुए हैं इसके अंदर है, जिसमें अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी मैंने इसको 60 एम्पियर पे कर रखा है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार इसकी लाइट ऑन कर देता हूँ, तो जैसा आप देख सकते हैं ये अभी एसी करंट के अंदर है। अगर आपको इसे डीसी करना है तो फंक्शन बटन को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डीसी के अंदर हो गया। बीच में जो बटन दिया हुआ है ये होल्ड का है और लाइट का है। अगर बीच वाला बटन आप प्रेस करके रखते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, और साथ में एक बार दबाते हैं तो ये होल्ड हो जाएगा। उसके साथ में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है जो फर्स्ट के अंदर है। अगर क्या होता है कि कई बार अभी ये जैसे डीसी करंट पे है और यहाँ पर कुछ ये गलत वैल्यू शो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको एक बार प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये जीरो पे लेके चला जाएगा, यानी कि वो जो भी एक्स्ट्रा था यहाँ पे जो वैल्यू दिखा रहा था वो अब इसने जीरो कर दी है। इसके साथ ही यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। फंक्शन को मैंने दबाया तो ये एसी के अंदर आ गया। वापस अब मैं ये जीरो वाले बटन को दबाऊंगा तो ये फ्रिक्वेंसी के अंदर आ गया है। अब मैं इसकी मदद से यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैसे आप इसको काम में लेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर की साइड में आपको क्लैंप दिख रहा है, क्लैंप मीटर का जो मेन काम होता है वो करंट चेक करने के लिए होता है। तो आपको करंट चेक करने के लिए इसमें ये जो लीड होती है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, जो ये ऊपर का पार्ट है आप इसे किसी भी वायर के अंदर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको करंट शो कर देगा कि जितने भी वहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा होगा वो चीज़ आप इसे चेक कर सकते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये सिर्फ करंट चेक करने के लिए, डीसी और एसी दोनों करंट आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर आप कोई अदर क्लैंप मीटर लेते हैं या फिर कोई सस्ता क्लैंप मीटर लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एसी क्लैंप मीटर ही होगा, तो वहाँ पे आप एसी करंट को ही चेक कर पाएंगे। अब बारी आ जाती है लाइव प्रैक्टिकल की। तो आपके पास जो क्लैंप मीटर है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लीड और फंक्शन देखने को मिल जाएंगे हैं। तो जो मेरे पास क्लैंप मीटर है इसके अंदर आपको टेम्परेचर के लिए अलग से लीड मिलती है, और जो नॉर्मल लीड है वो यहाँ पे अलग है। तो फर्स्ट में यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था एनसीवी चेक करने का, उसको एनसीवी के मोड पे हम करते हैं। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब लगा हुआ है, मैं इसके पास में ले जाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट ब्लिंकिंग करना स्टार्ट होगी और ये एक बीप का साउंड यहाँ पे चालू हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बारी आ जाती है हमारे एम्पियर चेक करने की, यानी कि करंट चेक करना है। तो करंट के लिए यहाँ पे मैं 60 एम्पियर पे इसे कर रहा हूँ और ये एसी मोड में है। अगर डीसी में तो आपको फंक्शन वाला बटन प्रेस करना है जैसा आपको बताया। अब इसे वायर में कनेक्ट करते हैं, और वायर में कनेक्ट करने के बाद जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 0.3 एम्पियर का ये कंजप्शन कर रही है अभी ये जो CFL बल्ब है यहाँ पे। एम्पियर चेक करते हो तो आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर आप एम्पियर चेक करें तो आपको खाली फेज का या फिर पॉजिटिव का वायर ही जो क्लैंप मीटर है इसके अंदर लेना है। अगर आप दोनों वायर लेते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रीडिंग देखने को नहीं मिलेगी है। तो आपको कहीं पे भी रीडिंग चेक करनी है वहाँ पे दोनों वायर साथ में, या तो आपको उस वायर को कट करना पड़ेगा या फिर आप अलग से यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोनों वायर को साथ में लेने से आपको रीडिंग नहीं मिलेगी है। नेक्स्ट मोड यहाँ पे है वोल्टेज का। अगर आपको वोल्टेज चेक करना है तो इसे वोल्टेज के ऊपर सेट करना है, और आप डीसी वोल्टेज चेक करें या फिर एसी वोल्टेज चेक करें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये जो क्लैंप है इसकी मदद से आप वोल्टेज चेक नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो साथ में लीड मिलती है इसे काम में लेना होगा। अब यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लीड है और एक रेड कलर की लीड है, तो आपको जो ब्लैक वाली है इसको जो यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है यानी कॉमन, इसके अंदर प्लग इन करना है, और दूसरी साइड में वोल्टेज के सिम्बॉल बने हुआ है इसके अंदर इसे आप प्लग इन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे वायर लगा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है, और साथ ही अगर आप एसी करंट चेक करते हो तो यहाँ पे आपको फेज़ और न्यूट्रल का ध्यान नहीं देना होता, आप इसको उल्टा सीधा लगा सकते हैं। लेकिन डीसी के केस में आपको पॉजिटिव साइड में रेड वायर को कनेक्ट करना होगा और नेगेटिव साइड में जो यहाँ पे ब्लैक वायर है इसे कनेक्ट करना होगा। तो एसी करंट में ऐसा कोई आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट किया तो अभी आप देख सकते हैं इसने रीडिंग सही नहीं बताई। तो रीडिंग सही नहीं बताने का यहाँ पे कारण है कि जो अभी क्लैंप मीटर था ये डीसी मोड पे था। तो आपको क्या करना है, इसे एसी के अंदर करना है। तो फंक्शन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एसी मोड के अंदर आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस जो लीड है इसे कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 235.5 वोल्टेज यहाँ पे क्लैंप मीटर बता रहा है। नेक्स्ट मोड आपको मिल जाता है कंटिन्यूटी डायोड और रेजिस्टेंस चेक करने का। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही मोड के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिले हुए हैं, तो यहाँ पे आप फंक्शन बटन को प्रेस करके जो भी आपको चीज़ चेक करनी है उसका यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में ये क्या है कि यहाँ पे अलग ऑप्शन में सबसे फर्स्ट में अपन यहाँ पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम आती है। अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करें, कहीं किसी वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, फिर वायरिंग अंदर से कटा हुआ है, तो आप कंटिन्यूटी चेक करके पता लगा सकते हैं कि वायर सही है या फिर नहीं। तो इसको कैसे आप कंटिन्यूटी मोड के ऊपर लेके जाएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक वाईफाई के टाइप का एक सिंबल बना हुआ होता है, वही सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको जैसे लेके जाएंगे इसके बाद आपस में टच करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा।
अगर आप वायर चेक करें तो इसको वायर के दोनों सिरे पे आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बीप का साउंड सुनाई देता है। कई बार सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते और लास्ट में काफ़ी मशक्कत के बाद ये चीज़ पता चलती है कि वायर के अंदर प्रॉब्लम थी, बाकी सिस्टम सही है। तो आप अगर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, वायरिंग कहीं पर भी कर रहे हैं, तो पहले उस वायर की पूरी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि वायर सही है या फिर नहीं। इसके बाद में आपको डायोड चेक करना है, तो यहाँ पे आप फंक्शन के मदद से यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन पे जाना है वो चेक करके डायोड इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। वो हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि आप डायोड कैसे चेक करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट मोड है फ्रिक्वेंसी चेक करने का, और फ्रिक्वेंसी के बाद में यहाँ पे आपको टेम्परेचर चेक करने का। फ्रिक्वेंसी हमारे सोलर सिस्टम में हम ज़्यादातर चेक करते नहीं है, या फिर इलेक्ट्रीशियन होते तो हमें करंट और यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो हम लास्ट में चले जाते हैं यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने पे। तो आप यहाँ पे इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा लीड भी मिलती है, अगर आप लीड को काम में लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर चीज़ का आप यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अभी का यहाँ पे टेम्परेचर ये बता रहा है 31 डिग्री का है। अब क्या होगा, आप इसमें चाहें तो ये लीड लगा सकते हैं, जहाँ पे रेड कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे रेड वाला वायर कनेक्ट करना है, और जहाँ पे कोम या फिर ब्लैक कलर में टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे आपको ब्लैक वाला वायर को कनेक्ट करना है। अब इसके बाद में क्या है, आप इसको जिस चीज़ के अंदर डिप करेंगे, अगर लिक्विड है तो, या फिर यहाँ पे जहाँ पे इसे टच करेंगे वहाँ का ये टेम्परेचर आपको बता देगा। जैसे मैंने इसे हाथ में पकड़ रखा है तो लगभग ये 35 डिग्री का अभी टेम्परेचर बता रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपका कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।